आखिर क्यों शाहरुख खान अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री के मार्केटिंग का गॉड बताते हैं, और कौन सा था वो शाहरुख खान का पहला मूवी प्रोडक्शन हाउस जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में शाहरुख खान अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं। शाहरुख खान ने 2008 के अपने एक इंटरव्यू में क्लेम किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मार्केटिंग का गॉड हूँ, मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मार्केटिंग सिखाई। 2022 में उनके एस्टिमेटेड नेटवर्थ 773 मिलियन डॉलर है, जिसे अगर आप इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो आप अप्रोक्सीमेटली 6370 करोड़ है। जब शाहरुख खान को मूवी इंडस्ट्री में आए हुए बस 7 साल हुए थे, तब उन्होंने जूही चावला के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की शुरुआत की थी, और उनकी पहली मूवी थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मूवी कमर्शियली अनसक्सेसफुल थी। अशोका और चलते चलते जैसी मूवीज को प्रोड्यूस करने के बाद शाहरुख खान ने कंपनी को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में ट्रांसफर कर दिया। रेड चिलीज के अंदर बनी उनकी पहली मूवी थी मैं हूं ना। मूवी एक बहुत बड़ी हिट थी। इसके बाद ओम शांति ओम, माय नेम इज खान जैसी कई और मूवीज को भी रेड चिलीज ने प्रोड्यूस किया। बट इंडिया के पहले फुल लेंथ सुपर हीरो फीचर फिल्म बनाने के विजन से शाहरुख खान ने 2006 में रेड चिलीज VFX को एस्टैब्लिश किया, और 2007 में रावण के प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। इस फिल्म के क्रू में 5000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड 15 स्टूडियोज में काम कर रहे थे। इस फिल्म के लिए इस लेवल की मार्केटिंग कैंपेन की गई थी जो इंडियन सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा था। मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ये मूवी की मार्केटिंग स्टार्ट कर दी गई थी, जो कि 9 महीनों तक चली थी, और फिर स्टेप 2 करोड़ों की मार्केटिंग बजट के साथ उन्होंने कुछ 5 ब्रांड्स के साथ टाई अप किया था। मूवी से रिलेटेड कई मर्चेंडाइज भी लॉन्च किए गए थे, जैसे कि रावण के एक्शन फीचर्स, लॉन्च बॉक्स, नोट चेन्स पर ज्यादा लोगों तक मूवी पहुंच पाए। इसके लिए उन्होंने रजनीकांत को मूवी में गेस्ट रोल दिया था। अमिताभ बच्चन से मूवी में वॉइस ओवर करवाया गया था। अमेरिकन सिंगर एकॉन और प्रॉग फिल्म हारमोनिका और कैश सेम्यूल में मूवी में सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए गए थे। चाइनीज अमेरिकन एक्टर को मूवी में एक स्पेशल पार्ट दिया गया था। फैंस को एंगेज करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने क्रॉस प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया गेम रावण जेनेसिस को भी लॉन्च किया गया था। मूवी के सॉन्ग लॉन्च करने वाले अग्रीमेंट को भी स्टार वन को 10 करोड़ में बेचा गया था। मूवी के लॉन्च होने से पहले 60 डेज का रोड शो भी किया गया था। शाहरुख खान सब जगह थे, मॉल से लेकर स्कूल्स, टीवी, न्यूज़पेपर, एवरीवेयर। इनसे मूवी को बेस्ट स्पेशल टैक्स के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। हालांकि उस वक्त मूवी को उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली थी जितना वो डिजर्व करती थी। रावण के 2 दिन हो गए, जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोगों को अच्छी लगी ये, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी है, लेकिन इस फिल्म ने स्केल, बजट और टेक्नोलॉजी के नाम पर इंडियन मूवीज को नए रास्ते दिखाए। इसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले, डियर जिंदगी, रईस और हीरो जैसी मूवीज को रेड चिलीज ने प्रोड्यूस किया। आज शाहरुख खान मूवीज की फीस लेने के बजाय मूवी के प्रॉफिट में से ही 60% चार्ज करने लगे। रेड चिलीज VFX ने न सिर्फ शाहरुख की मूवीज बल्कि कई और मूवीज के लिए विजुअल इफेक्ट्स पर काम कर चुकी है, जैसे कि क्रिश 3, बदला, गुंजन सक्सेना, अतरंगी रे और फिल्लोरी। इसके अलावा रेड चिलीज ने सीन सिटी 2, लीग ऑफ गॉड, यंगिस्तान जैसा इंटर्न प्रोजेक्ट के VFX पर भी काम किया है। रेड चिलीज VFX इन ब्लैक लेबर अब द लार्जेस्ट विजुअल स्टूडियो में से एक है। इसकी एनुअल टर्नओवर है अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपए, लेकिन बाद में रेड चिलीज के टेलीविजन प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया ताकि वो भी एड फिल्म प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस कर सके। इसके अलावा रेड चिलीज ने नेटफ्लिक्स और Z5 जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलेब्रेशन करके बदला, बॉक्स विश्वास, लव हॉस्टल, डार्लिंग जैसे शो को प्रोड्यूस किया है। तो 2008 में रेड चिलीज ने IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनरशिप राइट को करीब $30 मिलियन में लिया, और कोलकाता नाइट राइडर्स ग्रुप्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग के टीम प्राइम बागबो नाइट राइडर्स के भी राइट्स अक्वायर कर लिए। इसके अलावा UAE इंटरनेशनल लीग के टीम अबू धाबी नाइट राइडर्स को भी 2020 में अक्वायर कर लिया। अमेरिका में स्टार्ट होने वाली T20 क्रिकेट लीग के तहत लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स को मुंबई के KKR ने खरीदा है। ये टूर्नामेंट जुलाई 2023 से शुरू होगी। इतना ही नहीं, नाइट राइडर्स ग्रुप मेजर लीग क्रिकेट के साथ पार्टनरशिप करके लॉस एंजलिस 10,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम को कंस्ट्रक्ट करने जा रही है। द
डेवलपमेंट ग्रुप से ये मल्टी मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है। रेड चिलीज केकेआर के अलावा शाहरुख खान इंदौर अम्यूजमेंट पार्क किड्जानिया इंडिया के 26% स्टेक्स होल्ड करते हैं। इन सब के अलावा इनके इनकम सोर्स जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता वो है वर्ल्ड टूर्स। इन इंटरनेशनल कॉन्सर्ट की शुरुआत हुई है जिसमें शाहरुख खान, अक्षय कुमार, काजोल, जूही चावला ने एक महीने तक यूके, यूएसए और कनाडा के कई मेजर लोकेशंस पर शो किए थे। सिटी रेनफॉल में उन्होंने वर्ल्ड टूर किया। अपनी मूवी हैप्पी न्यू ईयर को प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान ने अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और बाकी को स्टार्स के साथ स्लैम वर्ल्ड टूर किया था। इस टूर के अंदर उन्होंने अलग लोकेशंस पर 25 शोज किए थे और हर शो से क्लॉस 27 करोड़ की कमाई हुई थी। तो मूवी रिलीज होने से पहले ही बस वर्ल्ड टूर्स के साथ 2000 करोड़ की कमाई कर ली गई थी। ये वही टूर्स न सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करते हैं बल्कि इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग भी बढ़ाते हैं। आज से 2 दशक पहले शाहरुख खान ने बॉलीवुड में कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की थी और वो था वेडिंग और इवेंट्स में परफॉर्म करना। इसके लिए उन्हें हैवी क्रिटिसाइज भी किया गया था। उस परफॉर्मेंस के लिए 40 मिनट के लिए वो 2 करोड़ चार्ज करते हैं। वो एक फुल फ्लेज्ड परफॉर्मेंस के लिए 8 करोड़ चार्ज करते हैं। इतना ही नहीं, एसआर के जब अपने प्राइम में थे तो वो किसी शो या इवेंट में 10 मिनट के अपीयरेंस के लिए 5 करोड़ तक चार्ज कर लेते थे। शाहरुख खान 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं शो होस्टिंग करने के लिए, लाइक फिल्म फेयर, आईफा अवार्ड्स। शाहरुख खान ने कई टीवी शोज जैसे कि KBC3, क्या 5वें पांच से तेज है और जोर का झटका को भी होस्ट किया है। 1998 के बाद सेलेब्स द्वारा ब्रांड्स इंडोर्समेंट के लिए शुरुआत की थी, जबकि वो बाद में सब लोग करने लगे थे और उसके लिए काफी ज्यादा चार्जेस लेने लगे थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।